सबसे पहले तो मैं अपने केंद्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व का आभार प्रकट करूंगा और अपने जो हमारे कलियर विधानसभा के मतदाता हैं उनकी ओर से भी सबसे आभार प्रकट करूंगा कि उन्होंने मेरे जैसे एक सामान्य कार्यकर्ता पर इतना विश्वास जताया है। दूसरी बात, हमारी जो पार्टी है वो लोकतांत्रिक पार्टी है। लोकतांत्रिक पार्टी में जितनी भी हमारी नीति रीति और हमारे नियम के अनुसार जो भी हम नियमानुसार जो भी होता है उसका एक मैनिफेस्टो होता है और मैनिफेस्टो हमारी पार्टी का बना हुआ है। हमारे शीर्ष नेतृत्व से हमें मिलेगा, कुछ पॉइंट हमारे भी हैं और उसके आधार पर हम चुनाव लड़ने जाएंगे। 2017 के चुनाव में एक सैनिक प्रत्याशी थे, वो सुनहरा से इधर आते आते वो डंप हो गए थे, तो उस चीज़ को कैसे ख़त्म करोगे आप? नहीं, ऐसा नहीं है डंप हो गए थे वो, कोई बात नहीं, वो बहुत कम मार्जिन से वो 1400 कुछ वोटों से हारे थे। मेरे बड़े भाई हैं जय भगवान सैनी, वो ऐसा नहीं है कि डंप हो गए थे, वो तो बहुत कम वोटों से उनको हार हुई थी, उनकी भारतीय जनता पार्टी की। और इस बार ऐसा नहीं है, इस बार हमारे यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष और हमारी पार्टी का नारा है 60 पार, तो उस 60 पार में हम कलिया विधानसभा में भी इस बार जो कमल का फूल खिलाने वाले हैं और कमल का फूल खिलने वाला है। जय भगवान सैनी जी को आप संतुष्ट करने में, अपने लिए प्रचार प्रसार के लिए मनाने में सफल हो पाएंगे? जय भगवान, मेरे बड़े भाई हैं, हमारी पार्टी एक जो अनुशासित कार्य पार्टी और एक परिवार है हमारा। परिवार में तो छोटे बड़े भाई में कुछ भी हो जाता है। तो जो आज हुआ वो अनुशासनहीनता है? नहीं, मैं तो आप क्या हुआ आज मेरी नॉलेज में तो कुछ ऐसा है नहीं, कुछ हुआ है जो उन्होंने विरोध किया है, विरोध प्रदर्शन किया है। वो तो थोड़ा बहुत भाई है, बड़ा भाई है मेरा, उसका थोड़ा बहुत विरोध होगा तो मैं घर जाऊंगा, वो वहाँ पे एक दूसरे के पास बैठेंगे, परिवार है भारतीय जनता पार्टी हमारा, एक दूसरे के साथ बैठकर जो भी एक दूसरे की बात होगी उसको बात करेंगे, परिवार में सबके यहाँ थोड़ा बहुत हो जाता है। अगर ऐसा था तो ये रूठना क्यों? नहीं, मैं तो उसको रूठना नहीं कहूंगा, वो तो बड़ा भाई है, हो सकता है कोई गलती हुई हो, मेरे से नाराज कोई बात हुई हो। पुतला दहन हुआ है मदन कौशिक मुर्दाबाद और इस तरह के नारे लगाए हैं उन लोगों ने, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? नहीं नहीं, वो जो जिनका पुतला दहन की बात करें उनके लिए तो मैं स्पष्टता से आपको कहना चाहूंगा कि वो हमारी कलियर विधानसभा का कोई आदमी उसमें नहीं है जी। कलियर विधानसभा कोई कार्यकर्ता उसमें आपको नहीं मिलेगा पुतला दहन करते हुए। उसमें तो जो हद्दी वाले का ये दो लोग उससे उस विधानसभा के कुछ लोग जिन्होंने माननीय मदन कौशिक जी जो हमारे प्रदेश को कितने कर्मठशील हमारे और कितने दृढ़ एकदम शक्ति वाले हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं, जिन्होंने संगठन को एक सूत्र में बांध के रखा हुआ है। अगर किसी कार्यकर्ता ने ऐसा किया है या फिर ऐसा है कि किसी दूसरी विचारधारा कार्यकर्ता ने किया है उसकी जांच होगी। सैनी, यदि कलियर विधानसभा क्षेत्र के लोग आपको विधानसभा भेजते हैं तो यहाँ की जनता के लिए क्या ड्रीम प्रोजेक्ट रहेगा आपका आने वाले 5 साल? बहुत सारे यहाँ के ड्रीम, सबसे पहले तो ड्रीम प्रोजेक्ट ये है कि जो निकासी है, पानी की निकासी सबसे बड़ा मुद्दा है कलियर विधानसभा का, जिसमें एक जो मेरे को निस्तारण कराने का सौभाग्य भी प्राप्त हुआ, जैसे हमारा हकीमपुर का था, 2.5 महीने से हमारे बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे थे और मैं भी जब वहाँ गया तो पहली बार ट्रैक्टर पर बैठ के मेरे को वहाँ सफ़र करना पड़ा, तो बड़ा अजीब सा लगा कि भाई ये भी एक हमारा भारत है। तो उसके बाद मेरे द्वारा प्रयास किया गया और मैं अपने शीर्ष नेतृत्व के द्वारा जो उनसे निवेदन किया, निवेदन करने के बाद उसका निस्तारण हुआ। अंतिम प्रश्न केवल जाति समीकरण को लेकर है, कुल कितने वोटर हैं इस विधानसभा क्षेत्र में? 1,18,000 कुछ वोट है हमारे। इसमें मुस्लिम वोटर कितने हैं? लगभग जो 40% मुस्लिम वोट है। इन 40% जो मुस्लिम वोट है उन पर कैसे सैन लगा पाएंगे? ऐसा नहीं, भारतीय जनता पार्टी किसी द्वेष के साथ काम नहीं करती, हमारा नारा सबका साथ सबका विकास सबका सम्मान। और ये भी नहीं है मुस्लिम भाई हमें वोट नहीं देते, पिछली बार भी 2300 कुछ वोट हमारे मुस्लिम भाई की निकली थी, और ऐसा नहीं है मुस्लिम भाई हमें वोट नहीं देते, इसलिए हमारा तो नारा ही सबका साथ सबका विकास सबका सम्मान है। और हमारी भारतीय जनता पार्टी को प्रत्येक व्यक्ति और क्योंकि हम बिना द्वेष के भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता काम करता है और हमारे को सभी धर्म के लोग हमें मतदान करते हैं। और मैं आपके माध्यम से भी सबसे कहना चाहूंगा कि अपने सब गीले सिक्के भुलाकर और अपना जो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री है जिन्होंने हमारे देश को नंबर 1 की स्थिति में पहुंचा दिया है, उनके विकास की धारा को ध्यान में रखते हुए कमल के फूल के हाथ में मतदान करें। धन्यवाद।